हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपके अपने चैनल डॉक्टर्स लैब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मैनफोस टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा कि इसका असर आपके बॉडी पे कितने देर तक रहता है। साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि बेहतर रिजल्ट के लिए इस टैबलेट को कब लेना चाहिए तथा इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है तथा अगर आपको कौन सी बीमारी है तो इस दवा को नहीं लेना चाहिए। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपको मैनफोस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके, जिससे आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता था, वीडियो को लाइक करना न भूलें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मैनफोस टैबलेट को मैनकाइंड नामक कंपनी बनाती तथा बेचती है। अगर बात किया जाए तो यह कई वेरियंट्स में आता है, जैसे 25 mg, 50 mg, 100 mg, 250 mg। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें सिल्डेनाफिल मिलाया गया होता है और सिल्डेनाफिल का उपयोग ईडी को ठीक करने के लिए यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों प्री मैच्योर इजेकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, यानी कि शीघ्र पतन अगर आपको है, यानी कि आप अगर 1 से 2 मिनट तक ही सेक्स कर पाते हैं, लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पाते, तो इस दवा का इस्तेमाल आपके लिए किया जाता है, यानी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि सिल्डेनाफिल का जो काम कैसे करता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह क्या करता है। जैसे ही आप इस टैबलेट को लेते हैं तो यह आपके पेनिस में यानी पुरुषों के लिंग में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है, जिससे लिंग जो है ज़्यादा टाइम तक उत्तेजित रहता है, एक्साइटेड रहता है और आप लंबे समय तक सेक्स कर पाते हैं। इसी के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करेंगे हम इसके बारे में कि इसका असर कब तक बना रहता है आपके बॉडी पर, इसके अतिरिक्त आपको यह भी बताएंगे कि इस दवा को कब लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि किन लोगों को इस दवा को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपको दिल की बीमारी है, अगर आपको कभी दिल का दौरा पड़ा है, आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लीवर का डिजीज है, अगर आपको किडनी फेलियर वाली समस्या है, या फिर आपको कोई ब्लड प्रेशर वाली समस्या यानी हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको इस दवा को लेने से बचना चाहिए। अगर अब बात करेंगे कि इस दवा को कब खाना चाहिए, दोस्तों जब भी आप सेक्स करने के लिए जा रहे हों तो कम से कम 1 घंटे पहले इस दवा का सेवन करना चाहिए। अगर बात करें कि अगर आप पहली बार इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 50 mg का ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा का प्रयोग नहीं करें। अब बात करेंगे कि इसका असर आपके बॉडी पर कितने देर तक बना रहता है, तो दोस्तों मैं बता दूँ कि इसका असर आपके बॉडी पर 4 से 5 घंटे तक बना रहता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो इसके साइड इफेक्ट कई गंभीर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो साइड इफेक्ट के रूप में आपका सर दर्द कर सकता है, आपको नौजिया है, वोमिटिंग हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपको घबराहट हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है यानी बहुत अधिक थकान हो सकती है, आपको कमजोरी फीलिंग आ सकती है, इसके अतिरिक्त आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं। इस प्रकार की अगर समस्याएँ होती है तो ये क्या होगा कि जैसे ही इस टैबलेट का असर खत्म होता है तो आपसे साइड इफेक्ट भी दूर हो जाता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक आपके बॉडी पे बने रहते हैं तो आपको क्या करना है कि तुरंत आपके अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना है। अगर इसके डोज की बात करें तो 1 टैबलेट इज सफिशेंट, यानी कि 1 टैबलेट आपके लिए सफिशेंट है, 1 टैबलेट से ज़्यादा का प्रयोग न करें और रेगुलर वे में इस टैबलेट का प्रयोग न करें।